अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज 27 मार्च है और आज जो है वो ईटा ने डीएम का टेस्ट कंडक्ट किया था। उस सिलसिले में हमें जो आपको सोशल मीडिया पे कुछ पेपर्स सर्कुलेट हो रहे होंगे, उस सिलसिले में हमने एमसीक्यूज एक्सट्रैक्ट किए हैं और उनके आंसर्स जो हैं वो हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर्स निकाल कर ये वीडियो आपके लिए बनाई है। चले हम स्टार्ट करते हैं अपने इस टेस्ट को, देखते हैं कि आज ईटा ने कौन से एमसीक्यूज को इंक्लूड किया था अपने इस टेस्ट में। तो पहला एमसीक्यूज हमारे पास था कि काइट इज ए डैश, मतलब ये एक मैथमेटिकल फिगर है और पॉलीगॉन की शक्ल में उन्होंने कहा था कि ये कौन सा मैथमेटिकल शेप होता है। तो ये बेसिकली हमारे पास होता है एक क्वाड्रिलेटरल शेप होता है। क्वाड्रिलेटरल कहते हैं जिसके चार कोने हो, तो एक पतंग जो होती है उसके चार कोने होते हैं। दूसरा एमसीक्यू है कि हजरत उमर ने कौन सी गजवा में अपने घर का आधा सामान दिया था, तो ये हमारे पास गजवे तबूक है। अच्छा, एक डेसिमल कन्वर्जन थी कि 101001, इसको डेसिमल में जब आप कन्वर्ट करें तो इसकी कौन सी वैल्यू आती है, तो इसकी वैल्यू आती है 43। अच्छा, द पोएम इन स्पाइट ऑफ वार, ये किसने राइट की है, ये किस ऑथर ने लिखी है, तो इसका करेक्ट आंसर है एंजेला मॉर्गन। अच्छा, स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये बुक में इसका आंसर है 343। अच्छा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नेम क्या है, तो वो हजरत वहाब इब्ने अब्दुल मनाफ, ये इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, कलमाते अजान का ख्वाब किस सहाबी ने देखा, तो वो हजरत अब्दुल्ला बिन जैद रजी अल्लाह तआला ने देखा था। अच्छा, हुसैन का हम काफिया कौन सा लफ्ज है, तो वो है जबीन। इसी तरह एक मिली नगमा जो हमारा मशहूर मिली नगमा है कि मेरा इनाम पाकिस्तान, ये किसने लिखा, तो ये जमीलुद्दीन आली ने लिखा। अच्छा, अलामाते इस्तेफहाम जो है वो कौन सी अलामत है उर्दू का, ये एमसीक्यूज है, तो ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो है इसे अलामाते इस्तेफहाम कहते हैं। अच्छा, इस्तियारा का लुगवी मायनी वो है चुप कर बात करना, छुप कर बात करना। अच्छा, तस्कीर व तनीस की कितनी इकसाम है, तो वो हमारे पास दो हैं, हकीकी और गैर हकीकी। अच्छा, भागते चोर की लंगोटी ही सही, इसका क्या मतलब है, कुछ ना मिलने से कुछ मिलना बेहतर है। इसी तरह दूसरा मुहावरा पेपर में आज आया था, वो था कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो इसका क्या करेक्ट आंसर था कि बिगड़े हुए को रास्ते पर लाने के लिए आप सजा दे सकते हैं। अच्छा, इसी तरह 15वां एमसीक्यूज हमारे पास है कि मुख्तसर अल्फाज में बयान, मतलब कोई भी बयान हो उसको आप मुख्तसर अल्फाज में बयान करें जिसमें उसकी मुकम्मल वजाहत हो जाए, उसे क्या कहते हैं, जामे कलाम कहते हैं। इसी तरह वॉशिंग सोडा में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, वो उसमें तीन एलिमेंट्स होते हैं, सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन। अच्छा, द वर्ड डॉक्टर, ये इंग्लिश का वर्ड है, डॉक्टर डॉक्टर क्या है बेसिकली हमारे पास, तो ये हमारे पास एक कॉमन जेंडर है, मतलब कॉमन मीन्स कि ये मेल के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और फीमेल के लिए भी। इसी तरह पोएम लिटिल थिंग्स ये किसने राइट किया है, तो ये जूलिया एकॉर्नी ने लिखी है। वर्ड जो इंग्लिश का लफ्ज है दैट, ये क्या है हमारे पास, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इसी तरह समथिंग का जो लफ्ज है ये कौन सी किस्म का प्रोनाउन है, तो ये है इनडेफिनेट प्रोनाउन। अच्छा, ये जनरल साइंस का एक एमसीक्यूज है कि मियोसिस जो एक प्रोसेस होता है सेल डिवीजन का, इसमें डॉटर सेल्स कंटेन्स हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देन दैट ऑफ पेरेंट सेल। इसी तरह किडनी स्टोन्स जो है वो कॉज बाय कैल्शियम सॉल्ट्स की वजह से किडनी स्टोन्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। इसी तरह जाइलम वेसल्स जो है वो क्या कंडक्ट करते हैं, वो वाटर और सॉल्ट्स कंडक्ट करते हैं, तो पेपर में वाटर का ऑप्शन था तो वाटर टिक करना था। इसी तरह ब्राइटली कलर्ड पेटल फ्लावर्स आर पोलिनेटेड बाय, तो इनकी पोलिनेशन इंसेक्ट्स के जरिए होती है। इसी तरह जिस नज़म के हर बंद में पांच मिसरे हैं उसे हम मुखमस कहते हैं, मुखमस या मुखमस। अच्छा, शेर में रदीफ से पहले आने वाले हम आवाज अल्फाज जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम काफिया कहते हैं। अच्छा, लाइट फ्रॉम सन रीचेस टू अर्थ इन 8 मिनट्स, इंग्लिश का एमसीक्यूज है कि रीडिंग और लुकिंग एट मटेरियल क्विकली टू गेन एन ओवरव्यू ऑफ कंटेंट इज द रीडिंग टेक्निक कॉल्ड, तो इसे हम कहते हैं स्किमिंग, कि आपने जल्दी जल्दी सरसरी तौर पर ऊपर से मतलब किसी चीज का कंटेंट पूरा देख लेना, मटेरियल का, रीडिंग मटेरियल का। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए क्या चीज सही है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, इसके जरिए पैदा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। प्रीफिक्स टेरा मीन्स 10 की पावर 12, और स्टैंडर्ड मीटर और किलोग्राम के लिए कौन सा अलॉय इस्तेमाल हुआ है, वो है इरिडियम और प्लाटिनियम। हैरत या खुशी के जो जुमले होते हैं उनके आखिर में कौन सा निशान लगाया जाता है, तो वही साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया जाता है।
इसी तरह मशहूर एक नज़्म है कि मोहब्बत अमन है और अमन का पैगाम पाकिस्तान, तो ये जमीलुद्दीन अली ने लिखी है। इसी तरह इंग्लिश के एमसीक्यूज़ है, ए प्रिसाइज एंड लिटरल डेफिनेशन ऑफ वर्ड दैट माइट फाउंड इन ए डिक्शनरी, उसे हम कहते हैं कनोटेशन। अच्छा एक जुमला है, कैन यू सी दैट प्लेस, इसमें द वर्ड दैट क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव है। अच्छा विच लाइन कंटेन्स पर्सोनिफिकेशन, बहुत सी लाइन्स हमें गिवन थी, उनमें से पूछा गया था कि इनमें से कौन सी लाइन्स पर्सोनिफिकेशन शो कर रही है, तो वो लाइन थी एंड द गार्डन इज चेंजिंग इट्स क्लोथेस। पर्सोनिफिकेशन कहते हैं कि आप किसी नॉन लिविंग थिंग को ऐसे पोर्ट्रेट करेंगे जैसे वो लिविंग थिंग हो। अच्छा 37 एमसीक्यूज हमारे पास है कि विच फ्रैक्शन ऑफ 90 मिनट्स इज 54 सेकेंड्स, तो इसका जवाब था 6 सेकेंड्स। अच्छा मेक इमेज फ्रॉम पीसेज ऑफ मिरर स्टोन और कलर पेपर, इसको हम क्या कहते हैं, मोजाइक कहते हैं। इसी तरह मैथ का एमसीक्यूज था कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज 6,000 है, जिसमें से 0.05 सर्विस में है, 0.4 ट्रेड कर रहे हैं और 0.06 लेबरर्स है, तो जॉबलेस पर्सन कितने हैं, तो आपने इन सबको जमा करके 1 में से माइनस करना है और उसका 6,000 का निकालना है, तो वो आपके पास निकलता है 2,940। इसी तरह आपके पास एक एमसीक्यूज है कि अहमद बॉट ए टीवी फॉर 4,000 एंड सोल्ड इट फॉर 5,000, प्रॉफिट आपके पास 1,000 आ गया, तो प्रॉफिट परसेंट किस तरह निकालेंगे, 1,000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, तो ये आपके पास निकलता था 25%। इसी तरह एक एमसीक्यूज है कि टू वर्टिकल एंगल्स, दो वर्टिकल एंगल्स हैं, एक 80 है और एक 4x है, इसमें x की वैल्यू निकालें, तो आपको पता है कि वर्टिकल एंगल सेम होते हैं, तो 80 और 4x जब इक्वल हो जाए तो उसके बाद आपका आंसर आ रहा है 20। अच्छा वो अल्फाज जो दो या दो से ज्यादा लफ्जों या जुमलों को मिलाने के काम करते हैं उन्हें हम हरूफ अत्फ कहते हैं। इसी तरह सिराज मुनीर का क्या मतलब है, उसका मतलब है रोशन चिराग। साइंस का एक एमसीक्यूज था कि द एडिशनल सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए इन बैक्टीरियल सेल इज कॉल्ड, वो प्लाज्मिड, प्लाज्मिड कहते हैं उसे। अच्छा जुल्फिकार अली भुट्टो को किस शख्सियत के मर्डर में फांसी हुई थी, तो वो है नवाब अहमद के मर्डर केस में उन्हें फांसी हुई थी। अच्छा गुलाम मोहम्मद को किसने डिथ्रोन किया था, तो उन्हें सिकंदर मिर्जा ने डिथ्रोन किया था। पाकिस्तान की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी हमारे पास पंजाब यूनिवर्सिटी है। अच्छा रेड कलर लिटमस पेपर जो है, ये जब आप इसे एल्कलाइन सॉल्यूशन में डिप करें तो ये ब्लू टर्न हो जाता है, मतलब ये रेड से ब्लू की तरफ कन्वर्ट हो जाता है। दी वर्ब विच डजंट शो एक्शन, जो आपको कोई एक्शन नहीं शो कर रहा होता उसे आप लिंकिंग वर्ब कहते हैं या हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। अच्छा एक एमसीक्यूज था कि रिवर स्वैन ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये जो है वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है। इसी तरह का एक और एमसीक्यूज है कि अगर स्पेलिंग SOAN लिखे हो स्वान, तो ये मियावाली पंजाब में एक दरिया है जिसका नाम रिवर सुवान है। अच्छा अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल नॉलेज इज, तो एक मशहूर कहावत है कि अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल नॉलेज इज विर्चू, तो ये बेसिकली 50 एमसीक्यूज हैं जो अभी हमने आपके लिए निकाले हैं आज के डीएम के पेपर में। इसी तरह मजीद एमसीक्यूज जो है वो जैसे आते हैं तो हम आपके साथ इस डीएम के पेपर का पार्ट 2 भी आज शेयर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा हमारी इसके साथ साथ पेस्को की जो टेस्ट प्रिपरेशन है, जिसमें हमारे पास जूनियर क्लर्क हो गया, लाइनमैन वगैरह हो गए, मीटर रीडर वगैरह हो गए, इनके टेस्ट की प्रिपरेशन भी टॉपर्स कोचिंग एकेडमी जो है वो करवा रही है, जिसकी फीस हमने मतलब आप लोगों के लिए अफोर्डेबल रखी है, 500 रुपीज़ इसकी फी है। आप में से वो स्टूडेंट जो इंटरेस्टेड हों और प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप इन नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। उसके साथ साथ हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और हमारी क्योंकि हम मजीद जितने भी टेस्ट होंगे उनकी वीडियोस अपलोड करते रहेंगे, इस सिलसिले में पेस्को से रिलेटेड भी बहुत सी इंफॉर्मेशन वीडियोस आएंगी और आने वाले जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उन सब की वीडियोस हम यहाँ पर अपलोड करते जाएंगे। थैंक यू।